हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टिन एंड कैथरीन, द एज फैमिली जिन्होंने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया है। एंड दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज ये फैमिली एक पॉइंट पे इतनी फेमस थी अपने बॉन्ड के लिए दैट इन्हें काफी लोग पसंद करते थे। उनका फैन बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। एंड इवन नेटवर्थ वाइज भी दे वर ग्रोइंग। धीरे धीरे करके दे बिकेम एक्सट्रीमली रिच। लग्जूरियस घरों में वो रहने लगे, एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल दे वर एंजॉयिंग। महंगी गाड़ियों में घूमते। तो टॉप में रहने वाली फैमिली को सडनली आज इतने लोग नापसंद क्यों करते हैं? तो रिसेंटली कैथरीन एंड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया पर ये रिवील किया कि दोनों भी सेपरेट हो रहे हैं। 2015 के साल में उन दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, फिर कुछ साल बाद शादी कर ली एंड साथ में इनके 3 बच्चे हैं। एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी सोशल मीडिया पे एज एज फैमिली वो फेमस हुए। अभी 2024 में कैथरीन ने एक पोस्ट डाला जहाँ पे कुछ लाइंस उसने लिखे कि वी हैव म्यूचुअली अग्रीड टू अ डिवोर्स, एंड और भी कई लाइंस उसने लिखे, बट एक लाइन ने काफी अटेंशन लोगों का ग्रैब किया जहाँ पे शी रोट एज हार्ट ब्रेकिंग एज दिस इज आई ऑल्सो फील लिबरेटेड। तो कई लोगों ने ये लाइन को ना उस कॉन्टेक्स्ट में भी लिया दैट कैथरीन खुद को फ्री कर रही है। ऑस्टिन ने जो इतने बार उसको चीट किया है उसके बाद ये होना ही था, ऐसे कमेंट्स लिखे गए। एंड इवन ऑस्टिन ने भी देन इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया दैट ही इज सेपरेटिंग फ्रॉम हिज वाइफ। दोनों ने ऐसे एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ बोला नहीं है। एंड अभी पिछले कुछ सालों में ना इस फैमिली का जो नाम है वो काफी सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। दो एक पॉइंट पे दोनों भी ना फाइनेंशियली काफी अच्छा कर रहे थे एंड इवन एक परफेक्ट फैमिली का पिक्चर भी पोर्ट्रे करते, बट इट फेल्ट एज इफ सोशल मीडिया पे जो वैल्यूज वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो एक तरीके का दिखावा है, रियल लाइफ में एक्चुअली उससे वो काफी डिफरेंट है। जैसे एक पॉइंट पे ऑस्टिन का चीटिंग स्कैंडल सामने आया था। वो ब्यूटीफुल मॉडल्स देन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को मैसेजेस भेजता, फ्लर्ट करता, देन उन्हें मिलने के लिए बुलाता। ये रीजन से दैट काम की बात करनी है। मिलने के बाद उन्हें एट टाइम्स फॉल्स होप्स देता कि कैसे वो साथ में काम कर सकते हैं, बट इवेंचुअली ना वो लड़कियों को भी समझ आ जाता दैट ऑस्टिन इज ब्लफिंग, एक्चुअली ही वांट्स समथिंग एल्स। एंड इफ दे गेट फिजिकली इन्वॉल्व विद देम देन पॉसिबिलिटी है कि ब्रांड कोलैबोरेशंस किसी कंपनी के साथ वो दिला दे, बिकॉज क्योंकि वो फेमस था तो उसके पास कॉन्टैक्ट्स थे। तो एक्चुअल इंटेंशंस पता चलने के बाद ना कुछ फीमेल्स ऑस्टिन को अवॉइड करती थी एंड वो सिचुएशन से बाहर निकलती थी, बट कुछ फीमेल्स ऐसी भी थी जिन्हें अगर लगता दैट दे वुड बेनिफिट फ्रॉम दिस देन दे यूज टू मीट ऑस्टिन, हैंग आउट विद देम and get involved with him physically. And in no way am I trying to play some innocent victim role, but there was a lot of manipulation involved to get to where it went to. Because in reality, you shouldn't be DMing girls in the first place about business when it, in reality, it's for something else. लेटर ऑन कई लोगों ने ना चैट्स वगैरह ओपनली दिखा भी दिया एंड ऑस्टिन को एक्सपोज भी किया दैट ही हैज बीन चीटिंग ऑन कैथरीन। एक पॉइंट पे ये भी बोला गया दैट ऑस्टिन मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व था। कौन से? तो एक फेस्टिवल में गया था, उसके कुछ फ्रेंड्स थे एंड इवन उसके डैड भी साथ में गए थे एंड उन्होंने रूम्स बुक किए थे एंड लड़कियों को बुलाया था। एंड बिफोर डूइंग एनीथिंग उन लड़कियों से ना नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करा लिया था, स्टेटिंग दैट कि इसके बारे में वो बाहर किसको भी नहीं बताएंगे। पर वो भी चीजें धीरे धीरे करके बाहर आ गई एंड ऑस्टिन के डैड को इन हमें ऑस्टिन की आदतों के बारे में पता था। सम इवन से कि उसके डैड भी ये सब में इन्वॉल्व थे। देन डायना करके एक फेमस इन्फ्लुएंसर है, उसका भी एक वीडियो देखने मिला था जहाँ पे शी वाज सेइंग कि ऑस्टिन चीटेड ऑन कैथरीन। एक बार कैथरीन को ना कार में एक लिपस्टिक मिला था किसी और लेडी का एंड कैथरीन जो है वो ऑस्टिन से लड़ रही थी एंड ऑस्टिन रो रहा था, जिसके बाद ऑस्टिन ने टैना को इन्वॉल्व किया एंड ऑस्टिन को बचाने के लिए टैना ने बोला कि वो लिपस्टिक उसका है, बट एक्चुअल में वो उसका नहीं था एंड और भी कई सारी चीजें बोली। One time Austin McBroom was cheating on Catherine and the girl he was cheating on her with left a lipstick in his car and I'm sitting in the car with Jake and we get a call from Catherine or Austin or whoever the fuck, we answer it and it's Austin bawling his eyes out and Catherine absolutely screaming, holding this lipstick inside of their car and she's screaming and she's like, it's the lipstick, Tana's, Austin says the lipstick's Tana's, blah, blah, blah. Austin's bawling. My dumbass thinks that the right thing to do at the time is save the kids. So I lie to Catherine. I'm like, this is my lipstick. It wasn't my lipstick, Catherine. I'm really sorry. But we team Bryce out here on God. So. अब ये सब चीजें एक्चुअल में हुई थी कि टाना ये सब सार्कास्टिक वे में बोल रही थी, इट इज नॉट क्लियर। बिकॉज ये जब वीडियो बाहर आया तब ब्राइस एंड ऑस्टिन का ना एक फेमस फाइट होने वाला था, तो लोग इन वे हाइप क्रिएट करने के लिए वीडियोस बना रहे थे। तो इट इज नॉट क्लियर कि टैना यहाँ पे जो बोल रही है वो सच है कि नहीं। एनीवेज ये वाले केस को साइड पे रखे ना, स्टिल कई सारे ऐसे प्रूफ है जहाँ पे ये दिख रहा है कि ऑस्टिन एक्सपोज हुआ है, वो लड़कियों को मैसेजेस भेजता था एंड ऑब्वियसली इंटरनेट में जब ये सब सर्कुलेट हो रहा था तब कैथरीन ने भी वो चैट्स पढ़े होंगे। स्टिल जब ये लड़कियां ऑस्टिन को टारगेट कर रही थी उस वक्त सोशल मीडिया पे आके कैथरीन ने अपने हस्बैंड को डिफेंड किया था।
मे बी ऑन कैमरा उसने ये किया होगा बट ऑफ कैमरा सिनेरियो कुछ और हो सकता है. ऑन कैमरा उन्हें अपना वो परफेक्ट फैमिली वाला इमेज बनाना होगा क्योंकि ये फैमिली कई सारे व्लॉग्स वगैरह साथ में बना रही थी और उसके वजह से वो इतने फेमस हुए थे. तो शायद इस वजह से इश्यूज होने के बावजूद भी वो अलग नहीं हो रहे थे. लेटर ऑन इस फैमिली के स्कैम्स वगैरह भी एक्सपोज हुए. कैसे एट टाइम्स वो अपने फैंस को स्कैम करते, बड़े बड़े इवेंट्स का प्रॉमिस करते, देन महंगे टिकट सेल करते, पर वो इवेंट्स के दौरान ना वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती. काफी बेसिक लेवल वो इवेंट होता. देन इन्फ्लुएंसर्स को भी दे हैव स्कैम्ड. फाइट ऑर्गेनाइज किया जाता एंड इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट किया जाता ये प्रॉमिस करके कि इफ दे पार्टिसिपेट दे विल गेट पेड. बट कई लोगों को ना इवेंट्स के बाद उनके पैसे नहीं मिले हैं जिस वजह से ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ने इस फैमिली को सू करने का डिसाइड किया. एंड बैक टू बैक कई गलत डिसीजंस लेने की वजह से वो और भी ज्यादा मेस में इन्वॉल्व होते जा रहे थे. एंड ये सब मेस में फंसने के जस्ट पहले इस फैमिली ने एक जूस ब्रांड भी लॉन्च किया था जिसका नाम सिली जूस था. कुछ वक्त तक ये अच्छा चला बट लेटर ऑन क्योंकि इस पे वो फोकस नहीं कर पाए तो इन अ वे इट वाज साइडलाइंड. सिली जूस का सोशल मीडिया पेज अगर आप देखोगे तो 2 साल पहले का इनका पोस्ट है एंड उसके बाद उन्होंने वो पेज को अबैंडन कर दिया. इवन देयर वेबसाइट इज नॉट फंक्शनिंग. फिर कैथरीन ने एक स्किन केयर ब्रांड लॉन्च किया. Initially, it felt as if Catherine at least अपने husband की तरह mess create नहीं करी and her business is going smoothly. But later on, she was also exposed. जो दूसरे stakeholders थे ना skin care brand के, they filed a lawsuit against Catherine. क्योंकि during this business collaboration, she did some shady stuff. Like conspired with her family and few company members to take over the control of skincare brand. पर ये पूरा हो नहीं पाया जो वो करना चाहती थी. And जब वो पकड़ी गई, उसके बाद stakeholders ने Catherine के against lawsuit फाइल किया. Saying that कि ये ब्रांड जितना सक्सेसफुल हो सकता था वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कैथरीन्स एक्शंस. बाद में उसे ये कंपनी से निकाल भी दिया गया. तो बैक टू बैक क्योंकि इतने सारे लॉसूट फाइल हो रहे थे तो इस फैमिली हैड टू पुट देयर रिसोर्सेज इनटू हायरिंग अ गुड लीगल टीम एंड कई केसेस उन्हें सेटल भी करने पड़े पैसे दे के. इवेंचुअली वो जो एस फैमिली हाउस भी था ना उसके बिल्स भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे ये सब के चक्करों में, जिसके बाद वो घर भी उनके हाथ से चला गया. उनको वो घर छोड़ना पड़ा एंड उनको दूसरा घर रेंट पे लेना पड़ा. कई लोग इस फैमिली को प्रॉपर्टी रेंट करने के लिए भी रेडी नहीं थे क्योंकि प्रीवियस जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके साथ भी इस फैमिली ने कुछ ऐसा किया था जिस वजह से वो भी उनके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे थे. हालत ऐसा हो गया कि ये फैमिली का नाम काफ़ी ज़्यादा टार्निश हो गया, जिस वजह से कोई भी मॉडल या इन्फ्लुएंसर को अगर ये लोग अप्रोच करते फॉर एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन और विद अ बिजनेस आइडिया, देन वो इन्फ्लुएंसर्स इन्हें अवॉइड करते, इन्हें सीरियसली नहीं लेते बिकॉज ऑफ देयर हिस्ट्री. जिस वजह से एक टाइम पे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऑस्टिन घूमता वगैरह रहता था, उनके वीडियोस में वगैरह दिखाई देता, उन सब लोगों ने इन अवे एक एक करके इनको गोस्ट कर दिया. कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी थे जिन्होंने पॉडकास्ट में वगैरह इनडायरेक्टली ऑस्टिन के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिया, सेइंग दैट कि एक फेमस फैमिली है एंड जो हस्बैंड है वो लिटरली कई सारी मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को मैसेजेस भेजता है, उनसे फ्लर्ट करता है, वो शादीशुदा है, स्टिल ही बिहेव्स लाइक दिस, ही इज एक्सट्रीमली डेस्परेट. तो इतनी सारी चीजें जब बाहर आने लगी तब कई लोगों ने यह सवाल रेज किया that why Catherine is tolerating all this, why is she not leaving Austin, जबकि it is very clear that time and again उसने उस पर cheat किया है and he is not a loyal husband, जैसे वो videos में वगैरह portray करता है. तो seems like Catherine इतने सालों से ये सब tolerate इसलिए कर रही थी because Ace family एक strong brand था and उससे उन्हें काफी profit हो रहा था, but अभी वो same status Ace family name hold नहीं करता and कहीं ना कहीं Austin की वजह से Catherine भी कई सारे mess में फंस चुकी है. लॉसूट्स में उसका भी नाम है. नो डाउट दोनों ने ना स्ट्रगल किया है. उन्होंने एक छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट से स्टार्ट किया था एंड देन उन्होंने साथ में ग्रो किया एंड एक मैंशन क्रिएट किया. पर फेम आने के बाद दे स्टार्टेड डूइंग शेडी थिंग्स, दे स्टार्टेड ट्रीटिंग पीपल अनफेयरली एंड इट ऑल बैकफायर्ड. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि कैथरीन एंड ऑस्टिन की जर्नी के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.